हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेफ निकिता और आज मैं बना रही हूं वेज चीज़ बर्गर। उसके लिए कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल, 1 मीडियम साइज अनियन को लंबे लंबे काट के उसमें डाल देंगे और फिर इसे हम अच्छे से सॉटे करेंगे एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। नमक स्वाद अनुसार हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि हमारे कैरेमलाइज अनियन में एक अच्छा सा टेस्ट आए, वो फीका ना लगे। और 2 चम्मच चीनी जो हम इसमें डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज चीनी थोड़ी देर पकने के बाद कैरेमलाइज होना शुरू हो जाता है और वो हमारे अनियन को बहुत अच्छी तरीके से कैरेमलाइज करेगा। और इसको एक और अच्छा बेहतरीन खट्टा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून विनेगर। विनेगर डालने से हमारा ये जो कैरमलाइज अनियन है वो खट्टा मीठा नहीं लगेगा और उस विनेगर डालने से एक अलग ही टेस्ट आ जाएगा। और एक परफेक्ट कैरमलाइज अनियन बनाने के लिए यही प्रोसीजर सही है। आप एक बार ऐसे कैरमलाइज अनियन बनाएं और उसे टेस्ट करें और आपको पता चलेगा कि परफेक्ट कैरमलाइज अनियन कैसे बनते हैं। वेज चीज़ बर्गर बनाना बहुत ही आसान है, बस आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। आप इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही परफेक्ट और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगा। आप देख सकते हैं हमारा अनियन जब ब्राउन हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप वाटर। वाटर डालने से क्या होगा, ये जलेगा नहीं और साथ ही ये और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से गल जाएगा। और फिर उसके बाद जब पानी पूरा अच्छी तरीके से सूख जाए तब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और हमारा कैरमलाइज अनियन बन के बिल्कुल ही तैयार है। इसे हम अच्छे से स्क्रेप आउट करके बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद बारी आती है हमारे फीलिंग की। उसके लिए सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल लेंगे, लाइक बहुत ही ज़रा सा, और उसमें हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज जो हो वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट होने चाहिए। और अब इसे हम सॉटे करेंगे कुछ देर के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे जीरा 1 बड़ा चम्मच और इसे कुछ देर के लिए सॉटे करेंगे। आप जीरा पहले भी डाल सकते हैं लेकिन मैं बाद में यूज कर रही हूँ। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही साथ हरा मिर्चा। मैंने यहाँ अदरक लहसुन और हरा मिर्चा को कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच अदरक, 2 बड़ा चम्मच लहसुन और 3 से 4 मैंने मिर्ची लिया है जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। और इसे हम सॉटे करते रहेंगे और उसी बीच ही ये बनते रहेगा, लाइक इसे हमें बहुत टाइम नहीं देना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप किए हुए गाजर जिससे एक क्रंचीनेस आएगा हमारे बर्गर के पैटी में और साथ ही साथ स्वीट कॉर्न्स जो इसको अगेन एक क्रंची फ्लेवर देगा। और इसे हम कुछ देर तक सॉटे करेंगे। जब हम गाजर को बहुत ही बारीक काट लेते हैं तो उसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा कलर, गरम मसाला पाउडर फॉर दैट एक्स्ट्रा किक और साथ ही साथ धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। और हम इसे भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ड्राई है क्योंकि ऑब्वियसली हमें पैटी बनाना है, इसमें हम बॉइल्ड पोटैटोज़ डालेंगे। तो ये रहा हमारा बॉइल्ड पोटैटोज़। बॉइल्ड पोटैटो के अंदर ये मिक्सचर हम डाल देंगे कुछ इस तरीके से, और जब ये मिक्सचर बॉइल्ड पोटैटो के साथ मिक्स होगा तो उसके बाद वो बहुत आराम से पैटी बन जाएगा और इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसे हम स्पून के मदद से पहले थोड़ा सा मिक्स करेंगे बिकॉज़ ये बहुत ही गर्म है, और जब ये थोड़ा सा स्लाइटली ठंडा यानी रूम टेम्परेचर आ जाए इसी बीच हम सालसा तैयार करते हैं। इसके लिए एक बॉल में चॉप्ड टोमेटो लेंगे, कोरिएंडर लीव्स 1 स्पून, यहाँ पे मैंने 4 बिग स्पून चॉप्ड टोमेटो लिया है, और 1 बाउल स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा नमक यानी स्वाद अनुसार, और नींबू का जूस। ये हमारा सालसा तैयार हो रहा है, ये स्टेप बाई स्टेप तैयार हो रहा है और इसे हम असेंबल करेंगे जब हम अपना बर्गर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से लेमन जूस इसमें मैंने डाल दिया और इसे हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और फिर इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे जब तक हमारा बर्गर हो रहा है, मीनवाइल ये भी ठंडा हो जाएगा बिकॉज हमारा पैटी बिल्कुल गर्म होने वाला है और असेंबलिंग प्रोसेस में कैरामलाइज अनियन रहेगा, बहुत सारे वेजीज रहेंगे और ये सालसा जो कि एकदम चिल्ड। अब ये काफ़ी ठंडा हो गया है जो अभी अभी हमने मसाला तैयार किया था पोटैटो के लिए, और इसे हम हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे। वैसे ये अभी भी थोड़ा गर्म है बट आप ध्यान से थोड़ा सब्र करके इसे अच्छे से मिक्स करें, और आलू ठंडा है मसाला थोड़ा गर्म है इसलिए ये थोड़ी आसानी से मिक्स हो जा रही है। ये बर्गर बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही डिलीशियस है। अगर आपको इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा लग रहा है तो लंबा तो है बट ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप ये बर्गर को घर पे ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये बर्गर कैसा लग रहा है, बिकॉज मेरे घर पर सबको ये बर्गर बहुत ही पसंद है और हम हमेशा ये बर्गर बनाते हैं। तो ये मसाला बन के बिल्कुल ही तैयार है। अब ये पेटी को हम हाथों की मदद से बॉल्स बनाएंगे। हाथों पे मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है जिससे ये पैटी हाथ पे चिपके नहीं, और इसको एक अच्छा सा शेप देंगे, राउंड शेप लाइक सो, और मैंने काफ़ी बड़ा पीस लिया है लाइक दिस। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे, और फिर अब मैदा का घोल बनाएंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच आरा रोट और 3 चम्मच मैदा। और फिर इसमें हम पानी डालेंगे और एक बहुत अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। और हमारा जो घोल है वो थिक होना चाहिए जिससे वो पैटी को अच्छे से कवर कर सके, लेकिन इतना थिक नहीं होना चाहिए जैसे डो होता है। आप अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे जब मैं इसमें पानी डाल के घोल तैयार करूंगी। ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए बट एट द सेम साइड ये ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जिसमें इसमें कोई लम्स ना रहे और ये बहुत ही स्मूथ हो जाए, और बस हमारा सब कुछ तैयार है। तो एक पैटी को सबसे पहले हम ये घोल में डालेंगे और उसे अच्छे तरीके से कवर करेंगे लाइक सो, और अब इसमें से पैटी उठाएंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखेंगे। आप देख सकते हैं वहाँ ब्रेड क्रम्स है, ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे बनाया है। आप अगर चाहें तो ब्रेड क्रम्स मार्केट से भी ले सकते हैं, मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल है। ये पैटी का साइज थोड़ा बड़ा है इसलिए इसे कैरी करना थोड़ा मुश्किल है बट कोई नहीं, इट इज़ ओके। और अब हम इसे कवर करेंगे ब्रेड क्रम्स से लाइक सो, कुछ इस तरीके से, और इसे बहुत अच्छे से टैप करके प्रेस करेंगे जिससे ब्रेड क्रम जो है वो पैटी के ऊपर अच्छे से चिपक जाए, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो एक क्रिस्पी ब्राउन बनके तैयार हो।
तो हाथों की मदद से हम इसे प्रेस कर लेंगे और अब इसे हम फ्राई करेंगे। आप तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, बट इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में, वैसे इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे कुक करने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसका कलर चेंज करते ही हम इसे बाहर निकाल देंगे। एक तरफ से ये जैसे ही हो जाए हम इसे फ्लिप कर देंगे। लाइक सो। और इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से लाल होने देंगे। अब ये जब लाल हो जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे किसी प्लेट पे। और फिर अब हम बर्गर को असेंबल करेंगे। तो यहाँ मेरे पास बर्गर ब्रेड है, इसे मैं बीच से कट कर लूंगी कुछ इस तरीके से। और अब इसकी असेंबलिंग के लिए रेडी होती हूँ। आप चाहें तो बर्गर ब्रेड को ऐसे ही यूज कर सकते हैं, या फिर आप बर्गर ब्रेड को तवे पे कुछ देर के लिए पका के उसे लाल कर सकते हैं, और या तो उसे फ्राई कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ फ्राई कर रही हूँ। लाइक सो। इससे क्या होगा, हमारा बर्गर का जो ब्रेड है वो सॉगी नहीं होगा, और एट द सेम साइड ये बहुत ही अच्छे से सब कुछ असेंबल करके पकड़ के रखेगा। अब हम एसएमएल की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर। लाइक सो। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे मेयोनीज। मैं यहाँ मार्केट से अवेलेबल मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस, जिससे एक अच्छा सा टेस्ट आए। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी कुछ लीव्स, जैसे कि लेटस के पत्ते, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और लेटस के पत्ते बर्गर में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब बर्गर में जितना ज़्यादा सैलेड हो मुझे वो उतना ही ज़्यादा पसंद आता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बर्गर में बहुत सारे वेजीज हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेड कैबेज, जो अगेन एक बहुत अच्छा टेस्ट देता है मेरे बर्गर को। एंड आई लव रेड कैबेज इन माई बर्गर, ये टेस्ट को दूसरे लेवल पे ही लेके चले जाता है। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ आलू की पैटी, जो अभी हमने तैयार किया था। इसके ऊपर मैं डालूंगी चीज स्लाइस। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी कैरमलाइज अनियन। कुछ इस तरीके से। आप कुकुम्बर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ ही साथ इसके ऊपर हम डालेंगे सालसा, जिसे हमने फ्रीज़र में रखा था जब हम सारे प्रोसेस को बना रहे थे। सो आई होप यू रिमेम्बर। तो ये सालसा को हम रखेंगे, बिल्कुल ठंडा है। और इसके ऊपर हम एक ब्रेड रखेंगे, लाइक जो टॉप पोर्शन है ब्रेड का। और फिर इसके ऊपर हम स्क्यूअर्स डालेंगे, यानी बर्गर स्टिक। और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चेरी टमाटो, जो इसको बहुत अच्छे से होल्ड करके रखे और साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल सा लुक भी इसे दे। और मेरा यमी टेस्टी डिलीशियस बर्गर बनके बिल्कुल ही तैयार है। एंड आई होप गाइस कि आप जितना
जितना देर मेरे वीडियोस को देखी उतना देर आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आपको मेरा ये रेसिपी बर्गर का अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को अभी और अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज आप बहुत सारे अच्छे अच्छे रेसिपीज़ मिस कर रहे हैं। प्लीज़ गाइज गिव अ बिग थम्स अप टू माई वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। आप मुझे नीचे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप अगली मेरी कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे। ओके थैंक यू गाइज, बाय।